हेलो गाइस, वेलकम टू आरके साइबर कैफ़े। आज का हमारा टॉपिक है कि आप जो भी जैसे कि जाति, आवासीय, आय, कैरेक्टर या ओबीसी जो भी आप ऑनलाइन करवाते हैं या करते हैं, तो उसको जो है डायरेक्ट आपको कैसे डाउनलोड कर लेना। यदि आपका बन गया होगा तो आप जो है डायरेक्ट सर्विस प्लस RTPS की ऑफिशियल वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर आके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है, और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट साइड से, देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालने के लिए और एप्लीकेंट का नाम डालने के लिए। यहाँ से आपको तभी डाउनलोड होगा जब आपका आवेदन जो है 24 घंटे, मतलब आवेदन जब आपके आवेदन पे साइन हुआ है उसके 24 घंटे के बाद ही आपको यहाँ से अपना आवेदन डाउनलोड होगा। तो चलिए मैं किसी एक का करके देखता हूँ। यह हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, जैसे निवास का है तो BRCCO/2022-90-84-344। तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ BRCCO/2022-90-84-344। फिर से देख लेता हूँ, ठीक है, इसका नाम देख लेता हूँ, मिलन कुमारी है, नाम भी डाल देता हूँ MILANKUMARI। इसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना। देखिए इसका बन गया है, तो इसका जो है डाउनलोड हो गया है। फिर आपको यहाँ से खोल के देख भी सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई दूसरा चीज़ भी हो, कैरेक्टर भी हो या फिर ओबीसी हो, जो भी हो, आप यहाँ से सारा चीज़ इसका रेफरेंस नंबर डालना। जैसे कैरेक्टर करना है तो आपको देखिए कैरेक्टर का रेसिप्ट कुछ इस प्रकार का रहता है, BCSC, जैसे इसका जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका रेफरेंस नंबर डालना है, नाम डालना है और डाउनलोड कर लेना है। अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि मेरा बना है या नहीं बना है, तो आपको यहाँ आवेदन की स्थिति में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा है थ्रो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, तो यही आपको करना है। ये OTP के माध्यम से नहीं हो पाता है। तो मैंने अभी इसका निवास डाउनलोड किया है, तो मैं ये देख लेता हूँ BRCCO/2022-39-84-344, ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन सबमिशन डेट जो है ये आपको सही सही डालना पड़ेगा। तो मैं इसका सबमिशन डेट देख लेता हूँ, 11/7/2022 है, यहाँ पे आपको दिया हुआ रहता है, तो आपको जो है इसमें डाल देना है 11/7/2022। उसके बाद कैप्चा डाल लेना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। कैप्चा डालने के बाद कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आपको जो है यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे नाम, एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम जो है देने के लिए आ गया है, तो इसमें मैं भर देता हूँ। आपको इसमें सारा डिटेल्स भर देना है, और ये नाम और माता का नाम, पिता का नाम जो भी भरिएगा, तो वो आपको स्पेलिंग सहित सारा चीज़ सही सही भरना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका यहाँ पर इसका आगे खुलेगा, नहीं तो वो इरर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट भी दिया हुआ है, आपका जो फॉरवर्ड हो गया है, ये आपका सर्टिफिकेट डिलीवर्ड हो गया, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।